हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे टैक्स। टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स को कंप्यूट कैसे किया जाए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज जो सेल प्राइस है, उसके बीच में से हम तीन एलिमेंट्स को लेस करते हैं। वन इज एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर, एसेट को बेचने पे जो खर्चे आते हैं वो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस एसेट को एक्वायर करने की जो कॉस्ट आई थी वो, एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि कई बार जो एसेट लिया गया होता है बाद में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दी जाती है, तो इम्प्रूवमेंट करने पे जो खर्चे आते हैं वो। ये तीनों एलिमेंट जब लेस हो जाते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से, तो जो बचेगा दैट विल बी गेन अगर पॉजिटिव हुआ, अदरवाइज लॉस अगर निगेटिव हुआ। हमारा जो एस्पेक्ट इस क्लास में आज हमने पढ़ना है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर है, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी हम सिर्फ दो ही एलिमेंट आज पढ़ने वाले हैं। वन इज राइट शेयर्स एंड सेकंड इज बोनस शेयर्स। कि राइट शेयर्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे देखी जाए एंड बोनस शेयर्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे देखी जाए। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट बेटा, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, इनके जो यहाँ पे सेक्शन मैंने मेंशन किए हैं ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट आप कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ चुके हो। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जब हमने इनको पढ़ा था तो इसके दो सेक्शन आपको याद होंगे। सेक्शन 62 डील्स विद फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज राइट शेयर्स, और सेक्शन 63 दैट इज बोनस इशू के ऊपर। 62 राइट शेयर्स में बेटा आपने ये पढ़ा था कि जब भी एक कंपनी फर्दर कैपिटल इशू करना चाहती है तो सबसे पहले कंपनी ये राइट किसको देगी, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर देगी। कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये शेयर आपको ऑफर किए जा रहे हैं, दिस इज एन ऑप्शन, ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो ये शेयर्स ले सकते हो। और ये शेयर्स जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं, दीज आर एट अ रेट That is lesser than market rate. At a rate that is lesser than market rate. कि हमारी कंपनी के शेयरों का जो मार्केट रेट है, जो इसकी फेयर वैल्यू है, उस फेयर वैल्यू से आपको ये शेयर किस पे दिए जा रहे हैं, कम रेट पे ऑफर किए जा रहे हैं। साथ में आपको एक और ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप ये शेयर्स नहीं लेना चाहते, कि हमने तो ये ऑप्शन किसको दिया है, आपको दिया है, लेकिन अगर आप ये ऑप्शन किसी अन्य पर्सन को पास ऑन करना चाहते हो, किसी और पर्सन को देना चाहते हो, रेनाउंस करना चाहते हो, आप अपना ये राइट किसी और के फेवर में त्यागना चाहते हो, रेनाउंस करना चाहते हो, देन यू कैन डू सो, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं। और तीसरी बात होती थी बेटा कि अगर कंपनी ये शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये खुद भी नहीं लेके राजी, किसी और को रेनाउंस करके भी राजी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी बोलती थी फिर हम ये शेयर्स किसको बेच देंगे, आउटसाइडर्स को बेच देंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। तो बेटा यहां पे जब हम इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं तो यहां फिर जब कंपनी आउटसाइडर्स को ऑफर कर रही है इसकी तो कोई बात आएगी नहीं, क्योंकि इसमें तो आउटसाइडर जो पैसे कंपनी को देगा दैट विल बी हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसकी तो बात ही नहीं पड़नी बेटा। हमें दो सिचुएशंस हैं जिसको पढ़ना है कि जब कंपनी शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एट लेसर देन मार्केट रेट देती है तब क्या रूल होगा, तब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के हाथों में इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हाथों में इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, एक तो ये पढ़ना है जब वो सब्सक्राइब करते हैं, और दूसरा कि जब कंपनी ये शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसको किसी दूसरे पर्सन के फेवर में रेनाउंस कर देते हैं, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ पर्सन टू होम दिस राइट हैज बीन रेनाउंस, In the hands of person to whom this right has been renounced.
कि जिसके फेवर में ये राइट बेटा रेनंस कर दिया गया है उसके हाथों में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। ये दो बातें हमने पढ़ी। तो देखो बेटा बड़ा सिंपल है, घबराना बिल्कुल नहीं। देखो कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये शेयर ऑफर करती है एट लेस देन द मार्केट रेट, तो डेफिनेटली वो कंपनी को कुछ ना कुछ पैसा दे रहे हैं। सो व्हाटसोएवर द अमाउंट दे आर पेइंग टू द कंपनी, जो वो पे कर रहे हैं, व्हाटसोएवर बीइंग पेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू द कंपनी विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, आपने जो कुछ कंपनी को दिया बेटा, जो आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने फॉर राइट शेयर्स जो कंपनी को पे किया, व्हाटसोएवर जो आपने पे किया, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स। दीज राइट शेयर्स की जो कॉस्ट होएगी बेटा वो आपके हाथों में क्या होएगी, whatsoever the existing shareholder has paid to the company will be cost of acquisition of right shares in the hands of existing shareholder. अब हम दूसरे केस की बात करते हैं बेटा, वो देखेंगे बेटा। दूसरे केस के अंदर जो पर्सन, मैं मान के चलता हूं जिसके फेवर में ये राइट अनाउंस किया गया है, दैट इज आर, एंड जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उसका नाम था ई। अब हम बात कर रहे हैं बेटा आर के हाथों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। आर के हाथों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दो तरह की होगी। नंबर वन बेटा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने जो आर को ये राइट दिया है तो ये फ्री में नहीं दिया होगा, उसने इसके बदले में आर से कुछ ना कुछ लिया होगा। तो आर ने एक तो बेटा ये पैसे लिए इससे, आर ने एक तो ये पैसे दिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, प्लस आर ने बेटा कंपनी को भी तो पैसे पे किए होंगे या नहीं पे किए होंगे, जो ऑफर प्राइस था वो इसने कंपनी को पे किया होगा, तो दैट इज बी। तो आर के हाथों में जब हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स, इन शेयरों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, इन द हैंड्स ऑफ आर, इन द हैंड्स ऑफ आर, आर का मतलब जिसके फेवर में राइट क्या किए गए हैं, रेनंस किए गए, तो उसकी कॉस्ट है बेटा ए, जो उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया राइट को लेने के लिए, और प्लस बेटा जो उसने कंपनी को पे किया, ये दोनों उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी। आप लोग इसमें नोट करेंगे तो बेटा इसमें एक तीसरा एस्पेक्ट भी है, और वो कौन सा, कि जो ई है उसको आर की तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं, जो कंसिडरेशन, ये जो ए मिल रहा है, ए की तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ही नहीं, तो उसको जो ये बदले में मिल रहा है आर से, ये सीधा का सीधा उसका गेन है बेटा, जिसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनाकर ई के हाथों में क्या किया जाता है, टैक्स किया जाता है। तो इसमें तीन एस्पेक्ट हैं बेटा जो आपने सीखने हैं। पहला कौन सा, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के हाथों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो इसका आंसर क्या है बेटा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी को पे करेगा इन राइट शेयर्स को लेने के लिए, दैट विल बी हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोज राइट शेयर्स। नंबर टू, जो आर है जिसके फेवर में ई ने, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने ये राइट रेनंस कर दिया है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स क्या होगी। उसको दो तरह के पेमेंटें करनी पड़ रही है। नंबर वन, the payment he is making to existing shareholder to get the right, कि भाई तुम अपना right मेरे favor में renounce कर दो, और दूसरा he need to pay to the company as well for these right shares, तो दोनों का total उसकी क्या कहलाएगी, cost of acquisition कहलाएगी। और तीसरा aspect बेटा मैंने आपको बताया कि जो existing shareholder है, उसको जो पैसे अपना right त्यागने के लिए जो मिल रहे हैं, क्योंकि right is also a capital asset, और आपने अपना राइट रेनंस कर दिया इस ट्रांसफर, तो उसके बदले में जो आपको कंसिडरेशन मिल रही है उसकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, इसलिए जो मिलेगा सारा का सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा, एंड इट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ ई, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो तीन एस्पेक्ट बेटा इसमें हमने पढ़े। देखो बेटा कंपनी लॉ में जब हम पढ़ते हैं तो उसका सेक्शन राइट इशू का सेक्शन 62 है, बोनस शेयर्स का सेक्शन 63 है। मैंने लर्न करवाने के लिए आपको बताया था बेटा कि एग्जाम्पल ही ऐसे लिया करो, कि बात को ही, कॉन्सेप्ट को ही ऐसे पढ़ो
कि तीन के पीछे एक मिला राइट, और बेटा तीन के पीछे दो के पीछे एक मिला बोनस, ठीक है, कि दो शेयरों के ऊपर एक मिला बोनस और तीन शेयरों के ऊपर एक शेयर का मिला राइट इशू। समझाने के लिए बेटा, और कोई मतलब नहीं है, ये आपने पढ़ लिया। इनके सेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा कैपिटल गेन्स के अंदर, दैट यू नीड टू लर्न। राइट इशू के लिए सेक्शन यहां है 55 2AA, got it, 55 2AA, सब कुछ डबल डबल ही है, देखो 55 then 2 then AA, 55 2AA, then bonus shares जिसका कंपनी लॉ में सेक्शन है 63, और राइट इशू यहां पे, और सॉरी यहां पे टैक्स में इसका सेक्शन है 55 2AA, वो तो यही आ गया राइट इशू वाला। साथ में बेटा अब सब कुछ डबल थोड़ी चलता रहेगा, ट्रिपल ए, 3A, ऐसे याद कर लीजिए। तो लो बेटा, अब मैं आपको बोनस शेयर्स के केस में भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स, कि बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने क्या लेनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स। देखो बेटा, बोनस शेयर्स आपने सेक्शन 63 कंपनी लॉ में पढ़ा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि असल में कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कुछ नहीं लेती, बस शेयर्स उनको फ्री में अलॉट कर देती है, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर्स। इसमें कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े होते हैं उन रिजर्व्स को कैपिटलाइज करती है। इसमें कंपनी के पास कोई पैसा आता नहीं, कोई पैसा जाता नहीं, सिर्फ कंपनी क्या करती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स की एंट्रीज करती है और नए शेयर्स इशू कर देती है। बेटा मैं बात कर रहा हूं कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी, जब कुछ पे ही नहीं किया शेयर होल्डर्स ने, तो बेटा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, सिंपल सी बात है, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, निल होगी। लेकिन आपको मैंने अभी एक एस्पेक्ट पढ़ाया था बेटा, आपको याद होगा, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई एसेट आप 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करते हैं, अगर आपके पास कोई एसेट है जो आपने 1 अप्रैल आपने या प्रीवियस ओनर ने 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया हुआ है, तो आपको एक, क्योंकि हम इंडेक्सेशन तो दे नहीं सकते बेटा इससे पीछे, तो आपको एक ऑप्शन दे दिया था सरकार ने, कौन सा, कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और जो तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उन एसेट को लेने की, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि उन केसेस में जो एसेट आपने कब लिए हैं, बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो आपको ऑप्शन दे दिया था बेटा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उन दोनों में से विच एवर इज हायर उसको आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हो, याद है। तो बेटा बस वो चीज अपना प्रभाव अब यहां पे डालने वाली है, कि वैसे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इज निल, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें कि अगर आपको कोई बोनस शेयर्स जो मिले हैं, अलॉट हुए हैं, वो 1 अप्रैल 2001 से पहले वाले हुए, दैट इज बिफोर बोनस शेयर्स, बिफोर दैट इज अलॉटेड, जो अलॉट हुए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो इसके केस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, अब आपको पता है बेटा मेरी ओरिजिनल कॉस्ट तो उस केस में जीरो है, क्योंकि कॉस्ट तो निल ही माननी है, तो सिंपल सी बात है इस केस में इन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन क्या वैल्यू दे दी, कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम मान लेंगे, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2001, एंड बेटा जो आपको बोनस शेयर्स अलॉट हुए हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, उनके केस में लॉ ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नल, क्लियर। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे बेटा, पहला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स, उनके केस में हमने क्या लेना है वो आपने सीख लिया, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स, ये कॉन्सेप्ट दोनों बेटा आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
राइट शेयर्स का सेक्शन 55(2)(AA) एंड बोनस शेयर्स का 55(2)(AA)(3A) गॉट इट 3A इस तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। लो अब इसके क्वेश्चन आप देखना चाहें बुक से तो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इधर देखो राइट शेयर्स का सेक्शन 55(2)(AA) एग्जाम्पल देखेंगे। आर होल्ड 100 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके आपके पास 100 शेयर्स हैं, विच वॉज एक्वायर्ड बाय हिम इन 1997 फॉर 10 रुपी पर शेयर। लिए होंगे बेटा तुमने, आपने 1997 में किसी कंपनी के कितने शेयर लिए, 100 शेयर ले लिए, एंड ये शेयर आपने ले लिए एट द रेट ऑफ रुपी 10। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इन शेयरों की, सिंपल सी बात। मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स आगे बता रहा है, समय चल रहा है, कहता अब मार्केट वैल्यू इन शेयरों की जो चल रही है यहां पे 1 June 2019 ये चल रही है मार्केट रेट, फेयर मार्केट प्राइस दैट इज 250 पर शेयर। ये मार्केट रेट चल रहा है बेटा पर शेयर। कंपनी ऑफर्स हिम ए राइट टू सब्सक्राइब 100 एडिशनल शेयर। कंपनी ने आपको 100 शेयर्स का राइट और दे दिया, तो बेटा हमें 250 से कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, ये फालतू डेटा है। तो हमें कह रहा है कि हमें कंपनी ने राइट दे दिया 100 शेयर का, हमारे पास के कितने थे 100 शेयर, तो कंपनी ने हमें राइट शेयर्स के रूप में, राइट इशू के रूप में कंपनी ने हमें कितने शेयर ऑफर कर दिए 100 शेयर, और राइट इशू किस रेट पे ऑफर किया एट द रेट ऑफ 160 पर शेयर। ठीक है, इफ ही सब्सक्राइब टू द शेयर्स, मान लो ये पर्सन क्या कहता, आर कहता मैं तो सब्सक्राइब करूंगा जी इन शेयरों को, तो कर लो बेटा बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनको सब्सक्राइब करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आएगी बेटा इन शेयरों की, ये जो राइट शेयर्स हैं इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आएगी, डेफिनेटली इट विल बी बेटा 160 पर शेयर, क्योंकि आप कंपनी को कितने पे कर रहे हो 160, तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आर के हाथों में अगर देखी जाए तो इट विल बी बेटा 16,000, क्योंकि उसने यही कंपनी को पे किया है। अब नेक्स्ट है, इफ ही सब्सक्राइब टू द शेयर देन हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन शेयरों की कितनी आएगी 16,000, और जो ओरिजिनल शेयर्स हैं इनकी कॉस्ट कितनी रहेगी, वो तो वही रहेगी बेटा 1,000 rupees। गॉट इट। अब आपके पास दो तरह के एसेट है ना, ये तो है बेटा जो आपके पास कौन से शेयर हैं, दीज आर ओरिजिनल शेयर्स, और ये कौन से शेयर्स हैं, ये राइट शेयर्स, तो दोनों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता है। अब आगे देखिए, इन द अबव एग्जांपल इफ आर डज नॉट सब्सक्राइब टू द एडिशनल शेयर्स, वो कहता मैं नहीं लेता एडिशनल शेयर्स मुझे नहीं चाहिए, बट रिनाउंसेस हिज राइट इन फेवर ऑफ वाई, वो कहता मैं तो ये किसी के फेवर में, वाई के फेवर में ट्रांसफर कर देता हूं, और उस बंदे से अपना राइट ट्रांसफर करने के लिए 50 rupees पर शेयर और ले लेता हूं अलग से। तो बेटा मुझे बताइए, आपके पास 100 शेयर हैं, आप हैं आर, और आपको पर शेयर वो पर्सन वाई कितने पैसे देने को तैयार है 50, तो प्रैक्टिकली जो आपको 5,000 rupees की कमाई हो रही है इसकी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कुछ नहीं, तो इसलिए कंप्लीट दिस एंटायर अमाउंट ऑफ 5,000 ये आपकी कैपिटल गेन्स हो जाएंगे, और कैपिटल गेन्स भी डेफिनेटली कौन से होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होंगे, क्योंकि ये राइट जिस दिन आपको मिला उसी दिन से इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ है, और आपने 15 दिन के अंदर तो ये राइट अनाउंस हो जाता है, तो इसलिए अल्टीमेटली इट विल बी ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बनेगा। अब हम पढ़ते हैं वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, द पर्सन हु हैज एक्वायर्ड दी शेयर्स, जिसने ये राइट मार्केट से आपसे लेकर ये राइट लिया है, तो बेटा उस पर्सन ने दो पेमेंटें करी हैं, नंबर वन ही हैज पेड टू द कंपनी, एंड नंबर टू ही हैज पेड टू यू एज वेल, तो इसलिए उसने जो कंपनी को पे किया बेटा 100 शेयर हैं, और एक शेयर के ऊपर कंपनी मांग रही है 160 rupees पर शेयर, तो 16,000 rupees उसने कंपनी को पे किया, एंड 100 शेयर्स हैं, और हर शेयर के ऊपर द पर्सन हैज पेड ₹50 टू यू, सो इसलिए बेटा दिस इज 5,000, तो टोटल मिलाकर द पर्सन हैज पेड 21, दिस विल बी हिज टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज शेयर। ये जो शेयर्स हैं इन 100 शेयर्स की जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ये मानी जाए। बोनस शेयर्स के केस में इफ इट इज अलॉटेड विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट ही होते हैं, अगर आफ्टर 1st अप्रैल 2001 है तो क्या है इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट विल बी नील,
और बेटा अगर ये एसेट आपको मिले हैं विदाउट पेमेंट बिफोर 1st अप्रैल 2001, देन आपको ये बेनिफिट दे देंगे कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है इन एसेट की एज ऑन 1st अप्रैल 2001, वही हम आपकी क्या मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज बोनस शेयर्स। क्लियर है मेरी बात? ये दोनों कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे तरीके से आप समझिए, फिर हम अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों में से अक्सर एक पेपर में आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।